तो मेरे को भूल ही गए होंगे और भूलेंगे कैसे नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे। तो अब अपने वीडियो डेली आएंगे। तो आज आए थे हम पचगावन नेक नाम सरकार के संदल में। तो आप देख सकते हो इधर मेरे पीछे, और इधर हमने भी गाड़ी पार्क की है, और इधर मेरा दोस्त सब बाहर गया है, और अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ संदल। तो ब्लॉग को फुल वॉच कर लो। थोड़ा सा हट जाए आप लोग। ख्वाजा जी, जग्गू भाई हजरत वारिस पाक की बारगाह में सानी खुसरो का खिताब पाने वाले एक ऐसे मशायख, एक ऐसे शायर जिन्हें सानी खुसरो कहा जाता है, हजरत बेदम शाह वारसी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजले रब्बे जुल मनन मोइनुद्दीन हसन, जाने पाके पंजतन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जाने पाके पंजतन ख्वाजा बेकसों के दस्तगीर, एक नजर बर मन फिगन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, एक नजर बर मन फिगन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन। हमारे याकूब चाचा हजरत सैयद साहब जिनका तारागढ़ पे मज़ार है,
उनके चंद मिसरे मेरे वालिद पढ़ा करते थे। मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे सुभान अल्लाह, बस वे माँ गरीबा एक निगाहे आमीन आमीन। बहक्के ख्वाजाए उस्मान हारून निगाहे खुसरावे खूबा निगाहे। हजरत दो मिसरे सुने, बराए अहले दिल अहले मोहब्बत निशाने पाए ख्वाजा सजदागाहे, निशाने पाए ख्वाजा सजदागाहे। कैसा कर्म ये आपने सरकार कर दिया, कैसा कर्म ये आपने सरकार कर दिया, मुझको गदाए हैदरे कर्रार कर दिया। हीरा था मगर अपनी चमक खो चुका था मैं, ख्वाजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया। ख्वाजा ने मुझको छू के चमकदार कर दिया। हजरत यूनुस मियां टोपी लगा लो, अल्लाह इन महफिलों को कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। कुछ भी है लेकिन है तो हुजूर गरीब नवाज के आए, आए। और अल्लाह ने चाहा वो दिन भी वापस आएगा। मेरी बड़ी स्टडी, मेरी बड़ी कोशिश है जो हमारे असलाफ ने काम किया है कवाली फील्ड में, क्योंकि कवाली एक तबलीग है, हमारे बुजुर्गों ने इसको तबलीग की तरह किया है। मेरी कोशिश है कि मैं उसी रविश पे आऊं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा करम और मेरे पीर मुर्शिद हुजूर मखदूम साबिर पाक की इनायतें हैं कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले चंद सालों में मेरी ये काविश, मेरी ये कोशिश पूरी होगी कि इंडिया का जो ये नौजवान है ये कव्वाली को समझेगा। अभी तो हमारी भी मजबूरी है, अगर हम पढ़ दें तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हर बच्चा इंशाल्लाह उस चीज से मुनासबत रखेगा। चार मिसरे सुने, मुझे भी कीजिए शामिल मेरे आका गुलामों में। क्या कहना है, क्या कहना है आसिफ भाई? मुझे भी कीजिए शामिल मेरे आका गुलामों में, मेरी भी लाज रख लीजिए तुम्हें रब की कसम ख्वाजा। न मांगेंगे किसी से और कहीं ना जाएंगे हम भी, तेरी महफिल सजाएंगे हैं जब तक दम में दम ख्वाजा। मुसीबतों में है सारे जहान का सूरज, खुदा निकाल दे अमनो अमान का सूरज। रसूले पाक ने ये कह के भेजा भारत में, मेरा मुईन है हिंदुस्तान का सूरज। तुम का तुमसे कहूं मोरे ख्वाजा पिया, तुम जानत हो मन की बतियां, ये तुझे क्या बता। ख्वाजा मोईन, ख्वाजा 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 मोईन, ख्वाजा 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 मोईन।
बाजा तेरे करम से सरवरा दिया बाजा। तुम्हारा बंदा हूँ मैं बंदा परवरी की कसम, तुम्हारा बंदा हूँ मैं बंदा परवरी की कसम। तुम ही हो बंदे के बंदा नवाजिया बाजा। तुझे क्या बताऊं मैं राजदा, तुझे क्या बताऊं मैं राजदा, तुझे क्या बताऊं, ये तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं, ये तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं, तुझे क्या बताऊं मैं राजदा, तुझे क्या बताऊं सामने मेरा हाल है, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या बताऊं मैं राजदा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह सवाल है, जाने जाना तुमको गुजारिश है। ये बताएं ये मिसरे किस किस ने सुने हैं। वक्त है 2:30 बजे का और 1.5 घंटे के बाद बारगाहे मुईन रोजमर्रा की तरह जिस तरह सरकार का दयार खुलता है, हुजूर का दरबार खुलने का वक्त होगा। तो ये सोचें कि हम अपनी इल्तजा हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। और जिन जिन के ये मिसरे याद हैं मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ एक बार दोहरा दें इनको। तुझे क्या बताऊं मैं राजदा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी निगाह की बात है, तेरी जिंदगी का सवाल है, जाने जाना तुमको पाया है, तेरे मजा आया है जमाने से Thank you.
मंडल में पेश किया जा रहा है, समाप्त फरमाइए। अभी वो सामने रहेंगे उनके Thank you.
तो किस बात का गम है मेरे ख्वाजा तुमको पाया।